ज़िंदगी का ख़त्म होना क्या है मौत क्या है तो अगर मौत क्या है कि बात कर रहे हैं और उस मौके पे मुख्तलिफ़ कल्चर्स जो हैं क्या क्या कुछ करते हैं और मौत को किस फ़िलोसॉफ़िकल नज़र से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है तो एक बात तो उसी वक्त वाज़ हो गई कि जो मजाहब हैं जो रिलीज़स हैं और वो एंड सोसाइटीज़ हैं जिन में किसी पुराने मेजर रिलीजन पे का बिलीफ सिस्टम जो है वो अभी मौजूद है तो वो अकायद मौत के बारे में जो होती हैं वो असल में मौत के बारे में नहीं होते वो ज़िंदगी के बारे में होते हैं वो इस बारे में होते हैं कि इंसान आया कहाँ से दुनिया बनी कहाँ से और दुनिया ने ख़त्म होना है दुनिया ने ख़त्म होना है और इंसान की जो ज़िंदगी है वो दुनिया की ज़िंदगी से कम है और उसने भी उसके जो दुनियावी ज़िंदगी है या उसकी जो जिस्मानी ज़िंदगी है उसने ख़त्म होने अब इन मौजूद तक हम मौत की और आखरत की बातें करते हुए पहुँच चुके हैं सो टुडे लेट्स लुक एट व्हाट इज़ द वर्ल्ड व्यूज ऑफ़ रियलिटी अक्रॉस कल्चर्स इस परस्पेक्टिव में कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स और मुख्तलिफ़ रिवायात जो है वो इसको किस तरह देखती हैं यहाँ मैं एक बात ज़रूर वाज़ करूँगी कि जब हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कल्चर की बात कर रहे हैं और जब कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर जो है जैसे हमने देखा था कि वो नस्ल से भी बनता है मजहब से भी बनता है मुल्क से भी बनता है और कई दफ़ा इन सब से बाला तर भी होता है इंसान किसी और मुल्क में चला जाए अपना कल्चर ले जाता है तो ये बहसें एक अरसे से क्रॉस कल्चरल में चल रही हैं कि कितना हिस्सा कल्चर का जो है वो दीन पे या सोसाइटी पे है और जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है उसका कितना हिस्सा उनकी महबी रिवायात से जुड़ा है और कितना हिस्सा सिर्फ़ एक कल्चरल चीज़ है और इन चीज़ों को अलग करना बहुत आ, आ, आसान नहीं होता क्योंकि वो एक पूरी तहकीक है कि ये चीज़ रिलीजस है कि सिर्फ किसी इलाके की कोई रिवायत है तो फिर कल्चर हुआ तो वर्ल्ड व्यूज़ ऑफ़ रियलिटी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाब में मुख्तलिफ़ सोसाइटी में दुनिया के बारे में हकीकत क्या है किसको कहते हैं उसके बारे में क्या हैं दुनिया ब... उसके चार बातें हम देख सकते हैं एक कि दुनिया बनी कैसे वजूद में कैसे आई इंसान का औरिजन क्या था आगाज़ कैसे हुआ था इंसानियत का रियलिटी के लेवल क्या हैं क्या क्या सत्य हैं अभी दो बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं कि एक वो जो इस दुनिया की रियलिटी है तो इस पर साइंस और मज़हब मेंफ़ है कि दुनिया के साथ ही रियलिटी ख़त्म हो जाती है जबकि मज़ाहिब ये कहते हैं कि दुनिया के साथ रियलिटी ख़त्म नहीं होती एक और रियलिटी शुरू होती है तो अगर ऐसा है कि ये एक और रियलिटी है इससे पार देखा एक और दरिया का सामना था मुझको जब मैं इस दरिया के पार उतरा तो ये बात उसी तरह दुरुस्त है कि आखिरत के सफ़र के बाद जब पार उतरते हैं तो क्या एक और हकीकत का सामना होता है तो उस हकीकत का तस्वुर मजहब में पाया जाता है तो इंसान का पैदा होना लेवल्स ऑफ रियलिटी क्या क्या लेवल है हमारे अंदर हमारे बाहर और सेल्फ वजूद जो है उसके क्या क्या लेवल है हमारा वजूद भी और पूरा जो वजूद है दुनिया का खुदा का क्या उसके भी खुदा के अलावा ये दुनिया और उसकी जो हकीकत है क्या इसमें भी कोई लेवल है इमाम गजाली ने इसकी डिस्टिंगशनस दी हुई हैं आलम नसूत जो है वो वो है जो आज की हमारी फ़िज़िकल दुनिया है आलम हाहूत उसका दूसरा एंड है, है जहाँ वजूद और उसकी तमाम सतहें ख़त्म हो जाती हैं वो वजूद से बाला तर है और यहाँ पहुँच के सोच और अफाज भी ख़त्म हो जाते हैं तो आलम नासूत है आलम हाहूत है अब एक आलम ख़्याल है जिसमें इंसानी जहन और उसका जो नफ्स है और उसके जो जज्बात हैं वो आलम ख़याल से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि उनका फ़िज़िकल दुनिया में कोई वजूद नहीं है लेकिन वो वजूद है भी नज़र नहीं आता आगे चल के इस मौजू का हम एक दो मॉड्यूल्स में चलाएँगे आलम मिसाल किस को कहते हैं वो दुनिया जिसका अक्स हम है उसको इमेजिनल वर्ल्ड भी कहा है अरबी ने तो ये हैं इसी को हम आगे चल के दोबारा उठाएंगे सिर्फ इस वक्त ये बताने के लिए कि इंसान के अंदर बाहर का अक्स है जैसे ऊपर उसी तरह अंदर लेवल्स ऑफ रियलिटी इधर से जा रही हैं और लेवल ऑफ़ सेल्फ इधर से आ रहे हैं विच मीन्स के जो कुछ हमारे बाहर है जो कुछ हमारे अंदर है वो उसका अक्स है सो वेन वी टॉक मोर अबाउट साइकी एंड सोल वी विल बी कमिंग बैक टू दिस डायग्राम